और आप उससे कम कमाते हैं, मतलब कि आपसे ज्यादा ही दिमाग है, आपसे कम नहीं है। दुबे जी उसके बाद कभी कुछ नहीं बोले। और वही चीज मैं आपको भी समझाना चाहता हूँ कि लाइफ में देखिए हम क्या कर रहे हैं, अपने आज से अपने आज का मूल्यांकन मत कीजिए, कल का मूल्यांकन मत कीजिए। आज आप जो करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में, इसके परिणाम जो है ना वो चंद महीने चंद साल बाद आपको मिलने शुरू होते हैं। तो आज से यदि आप अपने आप को सजाइएगा, आज से यदि अपने आप को संवारिएगा, आज से यदि अपने आप को बेहतर बनाने के ऊपर प्रयास कीजिएगा, तो डेफिनेटली आपका जो कल है ना ये बहुत शानदार होने वाला है। तो इस बिजनेस को जब भी आप करें, एक सीखने के दृष्टिकोण को डेवलप करें। क्या करना है पहला काम, क्या करना है, क्या करना है, सीखना है, क्या करना है, सीखना है, क्या करना है, सीखना है। खूब मेहनत ऑफलाइन को तंग कर दीजिए, किस लिए, सीखने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, ऑफलाइन को तंग करते हैं किस चीज के लिए, समस्या बताए, किस चीज के लिए, समस्या। सर इसको ठीक कर दीजिए, सर उसको ठीक कर दीजिए, सर उस दुकान को ठीक कर दीजिए, सर उस अपलाइन को ठीक कर दीजिए, सर इस डाउनलाइन को ठीक कर दीजिए। एक बार भी अपलाइन के पास ये फोन नहीं करेंगे कि सर बिजनेस कैसे बढ़ेगा ये बताओ। मैं रह गया हूँ राइट, सही बोलो नहीं गलत, राइट। नोट कर लीजिए, अपलाइन के पास फोन किस लिए करना, सीखने के लिए, समस्या के लिए, किस चीज के लिए, किस चीज के लिए। दूसरा काम, डाउनलाइन कोई भी कैसा भी और कहीं भी नुकसान नहीं करे। नुकसान मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा। नुकसान करने का क्या मतलब, आप इसको कोई बता सकते हैं, सर प्लीज बताइए। नुकसान इसको क्या माइंडसेट होता है, आम का सीजन है, एक बागवान को देखिए, एक आम भी इधर उधर नहीं होने देते। एम आई राइट नो, सही बोलो या गलत बोलो। इतनी कड़ी सुरक्षा के कई दोपहर के गिनते रहते कि इसमें 1200 है तो उसमें 1500। और आज की ना तो कल रीचेक भी करेगा, मान तो सही बोल रहे हैं। हम क्या करने भैया, 10-20-50 लोग हैं, फिर भी हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन मरा, कौन जिया, कौन आया, कौन गया। सही बोलो या गलत बोलो। नुकसान इसको बोलते हैं कि एक भी आदमी को हमें चूकना नहीं है, एक भी आदमी को हमें खोना नहीं है, एक भी आदमी हमारे नेटवर्क से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसको बोलते हैं नुकसान। आज के बाद बनाइए क्या है कि अभी हम प्रोसेस में है, क्या के प्रोसेस में है, आगे बढ़ने के प्रोसेस, हम अभी सीखने के प्रोसेस में। और शुरुआत में ही हम बहुत ज्यादा गलती करेंगे तो हम टीम बना पाएंगे कभी, तो ये टीम बनाने का प्रोसेस है। स्टार्टिंग बिगनिंग प्रोसेस क्या होता है, टीम बनाने का प्रोसेस होता है। कैसे आप अपने बिजनेस को डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, यदि लोग आते रहेंगे और लोग जाते रहेंगे। मैं तो बस इतना ही कहूंगा आप लोगों को कि जैसे ही एक व्यक्ति आ जाए आपके टीम में ना, पहला फोकस आपका ये होना चाहिए कि कैसे व्यक्ति जाए, इसके लिए सारे बंदोबस्त करें। घर में बच्चा पैदा होता है सारे टीके लगवाते हैं, नहीं लगवाते, चाहे सरकारी हॉस्पिटल में लगवाइए चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में, टीके सब लगवाते हैं, नहीं लगवाते। आरसीएम के बच्चों को कितना टीका लगवाती है, दिल में हाथ रख के बोलू, कितना टीका लगवाते हैं, नहीं ना, तो कैसे वो बचेगा ये, हाँ वो तो जवान होने के पहले ही दुनिया ने टीम छोड़ के चला जाता है, बिजनेस छोड़ के चला जाता है, नेटवर्क छोड़ के। तो छोड़ना उसके लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन उसका जाना क्या आपके लिए हमारे लिए भी उपयोगी है। इस बिजनेस से बाहर जाना किसी के लिए फायदे का काम हो सकता है, ध्यान से सुनिए। इस बिजनेस को छोड़ना, इस बिजनेस से बाहर जाना, इस बिजनेस से सामान ना खरीदना, इस बिजनेस का सामान पसंद ना करना, ये किसी दूसरे के लिए फायदे का विषय हो सकता है, लेकिन क्या हमारे आपके लिए भी फायदे का विषय है? नो है नो। तो लोग टिके रहे, मेहनत करनी चाहिए कि नहीं,
लोग इस्तेमाल करते रहे इसके लिए मेहनत करनी चाहिए कि नहीं? लोग छोड़ के ना जाए इसके लिए मेहनत करनी चाहिए कि नहीं? लोग और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करे इसके लिए मेहनत करनी चाहिए नहीं करनी? करते हैं। क्या है ना, हम दूसरे काम में इतना बिजी हैं कि बचाने पे हमने नीचे वालों को लगा रखा है। किसको लगा रखा है? अब घर बनाने के लिए ऐसे लोगों को लगा रखे हैं ना जिसको ईटा जोड़ने आता ही नहीं, जिसको पिलर खड़ा करने आता ही नहीं है, तो वो कभी घर बना पाए। और एक चीज आपको समझना है कि देखिए, एक झोपड़ी तो बिना प्लानिंग के आप बना सकते हैं, लेकिन कोई बहुस्तरीय इमारत को आप बिना प्लानिंग के नहीं बना सकते। और बिना प्लानिंग के बनाइएगा वो बार बार गिरेगा, बार बार गिरेगा। तो आप यदि बहुमंजिला इमारत बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक रोडमैप चाहिए, उसके लिए कंसेप्ट चाहिए, उसके लिए उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको बनाना चाहिए, जब जाके आप उस चीज को अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल है। लास्ट चीज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि फोकस रखिए आप इस इंडस्ट्री में जब आप काम करना चाहते हैं, वो है स्ट्रक्चर, लेग स्ट्रक्चर। क्या है? लेग स्ट्रक्चर। इसके ऊपर फोकस बना के जोड़ना तो है, लेकिन किसको कहां जोड़ना है ये भी बहुत को मालूम है। कहां जोड़ना है भैया? पता चला कि एक मित्र को यहां जोड़ दिए, एक मित्र को यहां जोड़ दिए, एक बुआ के लड़के को यहां जोड़ दिए, एक बुआ के लड़के को यहां जोड़ दिए, एक मामा को यहां ला दिए, दूसरे मामा को यहां ला दिए। अच्छा, यहां यहां तो लाए ही, अब ये मामा जी हैं तो अपने दो आदमी है ना, तो इनका दोनों ग्रुप में डाल दिए। ऐसा कर करके पता ना कितने आदमी सत्यानाश करके रखे अपने। बिगिनिंग में ही ये चीज आपको समझना है, वेयर टू ज्वाइन, कहां ज्वाइन करें, कहां ज्वाइन करवाएं, कहां आप लोगों को लगाएं। पता है आपको कहां लगाना चाहिए? देखिए टाइम मेरा भी खत्म हो चुका है, तो आप बोलिएगा तो ही हम बोलेंगे, अदरवाइज जय आर सिंह बोल के बोलिए तो हम भी उतर जाए, क्योंकि आज तो फिर भी मजे ले रहे हैं पंखे का, मुझे गर्मी लग रही है। पावर ग्रुप डेप में अपनी खुद की ज्वाइनिंग कभी किसी के बी ग्रुप में मत लगाएं, बिल्कुल। एक ही जगह है उसको लगाने का, वो है आपका डेप। कितना भी कोई क्लोज लीडर, कितना भी कोई क्लोज रिलेटिव हो, कुछ भी हो, फिर भी अपने द्वारा की हुई ज्वाइनिंग आपको कहां लगानी है? डेप में लगानी है। क्यों? जैसे सर मैंने आपकी ज्वाइनिंग कराई, एक मिनट आइए, एक मिनट प्लीज आ जाइए यहाँ पे। अमूमन क्या होता है, जैसे मैंने इनकी ज्वाइनिंग कराई, ठीक है, और मेरे इनके बीच में 50 लोग हैं, कितने लोग हैं? 50। और किसी के बी ग्रुप में इनको मैंने ज्वाइन करा दिया, क्या सोच के? अपना आदमी। तो अपना आदमी यदि काम का होता तो अपना बी ग्रुप खड़ा कर लिया होता या नहीं कर लिया होता? उसका ए ग्रुप का बिजनेस कौन कर रहा है? बताइए, बताइए, थोड़ा तेज बोलिए ना। अपलाइन मतलब उसका बी में आप क्यों डाले? क्योंकि उसका ए चल रहा है, यही है ना? Yes. तो ए कौन चला रहा है? अपलाइन है ना। तो जो अपलाइन ए चला रहा है वही बी में डाल के क्या बिठा के बी चलाएगा उसका? हाँ, तो कहा इनको ज्वाइन कराना चाहिए? देप में। और यदि किसी के बी में हम डाल दिए तो फिर क्या होगा? इनके साथ काम किसको करना पड़ेगा? खुद को। मुझे ही करना होगा ना? यस। कब तक करना होगा? जिंदगी भर, जब तक ये मर नहीं जाएंगे तब तक। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी तो आप जिसके बी ग्रुप पे डाले हैं, इनके डालने से थोड़ी मोटी इनकम आ रही है, चलिए ठीक है। और जब ज्यादा आने लगेगी और घर में बैठा रहेगा तब हम क्या करेंगे? फिर इनको इनके भरोसे छोड़ दें, फिर ये अनाथ हो जाएंगे। और अनाथ हो जाएंगे तो क्या होगा? इधर उधर ताकेंगे, इधर उधर देखेंगे। बैठ जाइए प्लीज।